नमस्कार, आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, किस्सा आराधना के बनने का है। पिछले पॉडकास्ट में हम आपको काफ़ी कुछ बता चुके हैं और ये पॉडकास्ट उस भाग की अगली कड़ी है। फिल्म आराधना के भविष्य पर सवाल खड़ा करने वाली एक घटना हुई। हुआ यूं कि निर्माता सुरेंद्र कपूर, जो कि अनिल कपूर के पिता थे, उन्होंने अपनी नई फिल्म एक श्रीमान एक श्रीमती का ट्रायल शो देखने के लिए अपने दोस्त शक्ति सामंत को बुलाया। सुरेंद्र कपूर की इस फिल्म के हीरो शशि कपूर थे। उस दौर में फिल्म इंडस्ट्री में आम तौर से ऐसा होता था कि एक फिल्मकार अपने करीबी दोस्तों को रिलीज से पहले फिल्म दिखाकर उसका फीडबैक लेता था। फिल्म के खत्म होते होते शक्ति सामंत का दिल बैठ गया। वो सकते में थे, क्योंकि एक श्रीमान एक श्रीमती का क्लाइमैक्स हूबहू उनकी फिल्म आराधना से मिलता था, जिसकी शूटिंग वो कुछ दिन में ही शुरू करने वाले थे। उनके बेटे असीम सामंत ने बताया कि डैड ये देखकर सन्न रह गए कि दोनों फिल्मों का क्लाइमैक्स बिल्कुल एक सा है। ऐसा मुमकिन भी था, क्योंकि दोनों फिल्मों के लेखक एक ही थे, सचिन भौमिक। उन्होंने इस मुद्दे पर काफी सोचा और फिर अपनी फिल्म को बंद करने का मन बना लिया। बेहद तनाव में शक्ति सामंत अपने ऑफिस पहुंचे। जिस छोटी फिल्म को वो जल्द से जल्द बनाकर रिलीज करना चाहते थे, वही उनके लिए बड़ी परेशानी का सबब बन गई। उसी शाम उनके ऑफिस में लेखक गुलशन नंदा और मधुसूदन कालेलकर पहुंचे। दोनों कुछ नए स्टोरी आइडिया पर बातचीत करने के लिए आए थे। उन्होंने देखा कि शक्ति सामंत बेहद तनाव में हैं, और जब वजह पता चली तो गुलशन नंदा ने उन्हें हिम्मत बंधाने की कोशिश की। उन्होंने शक्ति सामंत से कहा कि अभी शूटिंग शुरू होने में कुछ समय बाकी है, तब तक स्क्रिप्ट में कुछ ना कुछ बदलाव कर लेंगे। लेकिन शक्ति सामंत की घबराहट कम होने का नाम नहीं ले रही थी। तब उनका तनाव कुछ कम करने के लिए गुलशन नंदा ने उनसे कहा कि अगर उन्हें आराधना की कहानी में बदलाव पसंद नहीं आया, तो उनके पास एक नई स्क्रिप्ट भी है जिसे वो इसी स्टारकास्ट के साथ बना सकते हैं। शक्ति सामंत को ये बात जंच गई। उसी समय गुलशन नंदा ने उन्हें अपनी एक नई कहानी कटी पतंग सुना दी। कहानी का नरेशन होते खत्म होते होते शक्ति सामंत के चेहरे पर मुस्कान लौट आई। उन्होंने फौरन फैसला कर लिया कि इस नई कहानी पर वो फिल्म जरूर बनाएंगे। तनाव कम हुआ तो गुलशन नंदा के साथ वो आराधना के स्क्रिप्ट पर काम करने के लिए बैठ गए। स्क्रिप्ट के दूसरे भाग में वो घंटों तक फेरबदल करते रहे और फिल्म का तकरीबन एक नया क्लाइमैक्स लिखा गया। असीम सामंत बताते हैं कि पहले डैड ने आराधना के सेकेंड हाफ पर काम किया, फिर उन्होंने कटी पतंग पर जमकर चर्चा की। उनकी दो सबसे बेहतरीन फिल्मों की नींव एक ही शाम में रखी गई। इसी चर्चा के दौरान गुलशन नंदा ने शक्ति सामंत को राय दी कि फिल्म में राजेश खन्ना को ही शर्मिला के बेटे का रोल भी दिया जाए, यानी उनका डबल रोल किया जाए। शक्ति सामंत को बात जच गई। जिस राजेश खन्ना को फिल्म आराधना में छोटा सा रोल था, जिसका शाम खत्म होते होते वो डबल रोल में बदल चुका था। कम से कम स्क्रीन टाइम के हिसाब से तो वो फिल्म शर्मिला टैगोर जितने ही फिल्म में राजेश खन्ना अहम हो गए थे। उस शाम नियति जैसे राजेश खन्ना के पक्ष में थी। एक ही शाम को शक्ति सामंत की दो सबसे अहम हीरोइन प्रधान फिल्मों की नींव रखी गई। लेकिन किसी को इस बात का अंदाजा नहीं था कि इन फिल्मों के साथ राजेश खन्ना के सुपर स्टारडम की भी नींव रखी गई है। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।